बेटा? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बेटा नूह की तबीयत खराब हो रही है, इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, घर पर जो दवाएं रखी हुई है ना उन्हीं में से कुछ दे दें इसे। कि तुम क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूँ मैं, कोई तबीयत खराब नहीं है इसकी, ये सब घर से निकलने के बहाने, डॉक्टर और शॉपिंग के बहाने ये घर से बाहर जाती है, और मैं जानता हूँ किसकी तलाश में जाती है ये। सही कह रहे हो तुम, है मुझे उसकी तलाश, और तुम्हारी वजह से खोया है मैंने उसे, एक बार फिर से खो दिया है। अरे तो क्यों खो दिया हमारी वजह से? जाओ चली जाओ उसके पास, यहाँ पर रहकर हम पे एहसान मत करो, वैसे भी तुम हमारी जान पे अजाब हो उस गुनाह को लेकर यहाँ पे। अदनान चलो बेटा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, आ जाओ। अयान की मामा बहुत प्राउड है, मुझे जरा अच्छी नहीं लगी। तुम्हारे अच्छे ना लगने से क्या होता है, तुम तो उन्हें अच्छी लग गई ना, काफी है। अच्छा तो ये तुम कैसे कह सकती हो कि उन्होंने मुझे पसंद कर लिया? तुम अयान को पसंद हो ना, आई गेस दैट्स इनफ। हाँ उसको भी पसंद हो, मगर ये जवाब भी काबिले एतबार नहीं है। अम्मी प्लीज आप कुछ बोले ना। अरे बेटा क्या बोलूं, हाँ मुझे भी उनका रवैया कुछ अजीब सा लगा था, ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारा घर पसंद ना आया हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से ऐसे लगते हैं मगर वैसे दिल के अच्छे होते हैं, हो सकता है हमारा वहम हो। और उन लोगों को क्या कहें अम्मी जो पहले बहुत अच्छे लगते हैं फिर बाद में जाके पता चलता है? बस बेटा हर किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में, मेरा तो दिल चाहता था कि मेरी दोनों बच्चियां अपने अपने घर की हो जाती तो मुझे भी सुकून हो जाता, फिर कोई गम नहीं था अगर अल्लाह मुझे अपने पास भी बुला लेता। अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अम्मी आप क्यों करती हैं ऐसी बातें, आप तो हमारी जान है, अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम दोनों भी। अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्रें दे, अच्छे नसीब दे, अल्लाह मेरी बच्चियों को हर बुरी घड़ी और बुरी नजर से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुश रहो बेटा। उसकी माँ एक रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, एक बड़ी बेटी है जिसकी अभी तक बात पक्की नहीं हुई, और जो छोटी वाली है वो हमारे साहबजादे को पसंद है। तो मियाँ उनके क्या करते हैं? बहुत अरसा हुआ डेथ हो गई है। ओह आई एम सॉरी, लेकिन जब जिंदा होंगे तब तो कुछ करते ही होंगे ना? नहीं मुझे क्या पता, वो भी करते होंगे कहीं नौकरी वोकरी। हाय डैड। हाय मॉम। हाय डैड, कैसा आपका ट्रिप? बेहतरीन, आओ बैठो। क्या चल रहा है बेटा आजकल? कुछ नहीं डैड, बस सब ठीक ठाक। फिर भी चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं, क्यों? चाय लोगे अयान? नहीं मॉम, बल्कि मैंने आपसे कुछ पूछना था, वो आपको फजर कैसी लगी? मेरा बेटा किसी चीज को पसंद करे ना वो आम हो ही नहीं सकती, और कोई चीज खास हो तो वो कैसे किसी को पसंद नहीं आ सकती। काश के मामा के ख्याल भी आप जैसे होते। वेरी बैड अयान, चार ही दिन में वो लड़की तुम्हारे सर पर इतनी सवार हो गई है कि तुम्हें अपनी माँ बुरी लगने लगी है। देखो तुम गलत समझ रहे हो बेटा, मेरे हिसाब से भी तुम्हारी उम्र अभी शादी के लिए छोटी है। डैड अभी कौन कर रहा है शादी, स्टडीज के बाद हो सकती है शादी तो। अरे तो फिर शादी के लिए इतना आसमान क्यों सर पे उठा रखा था? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट एंगेजमेंट तो कर सकते ना, ताकि कोई कब्जा ना कर सके और मिल्कियत का दावेदार ना बन सके, ऐसा ही ना? लेकिन यार मैं ना लंबे अरसे तक मंगनी रखने के हक में नहीं, पता है क्यों? मेरी मंगनी 3 साल में 3 बार टूटते टूटते बची है। और एक और बात बताओ, जब तुम्हें शादी स्टडीज के बाद ही करनी थी तो फिर मेरी ऑफर क्यों ठुकराई तुमने, अब्रॉड जाके स्टडी करने वाली?
शायद मैंने आपसे कहा भी है कि मुझे बाहर नहीं जाना है। बेटा जी, फजर आएगी अगर तो डिग्री के साथ ही आएगी। एक शर्त अपनी मनवाओ, एक मेरी मनवाओ। पिद्दी के पिद्दी का शोरबा, मेरा बाप बनता जा रहा है। नेहा, लो बेटा। जी खाला। दवाई खा लो। नहीं खानी मुझे। क्यों बेटा, क्यों नहीं खानी दवाई? मुझे नहीं चाहिए ये। क्या कह रही हो बेटा? क्या करूंगी खाला इसको दुनिया में लाके? हाँ क्या करूं पैदा करके? हाँ क्या करूं? सह पाएगा मेरे गुनाहों का बोझ मासूम? बस करो नेहा, अब वक्त नहीं है। बेटा ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। आपने सुना था ना अदान ने क्या कहा? अदान ने कहा कि शामिल मुझे और इस बच्चे को छोड़ के चला गया है, तो क्यों ना उसे दुनिया में। नेहा बेटा, इस वक्त को खुदा की आजमाइश समझ कर कबूल कर लो बेटा। दवाई खा लो बेटा, लो। भाई आपके साहबजादे कहाँ हैं? आजकल नजर नहीं आ रहे। मिडिल क्लास लड़की के साथ रह रहे के ना, वो इस घर के सारे तौर तरीके भूल गए। जज्बाती बहुत ज्यादा हो जाती है। कितनी बार आपको मैंने समझाया, मैं शमीर के बाद अब एक और स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या चाहते हैं? मैं अपने इकलौते बेटे को उस लड़की के हवाले कर दूं? कहीं नहीं जा रहा वो। इस मामले को मुझे अपनी तरह से हैंडल करने दें आप। आप बहुत सर चढ़ा रहे हैं आयान को। इसे सर चढ़ाना नहीं कहते, बल्कि मामले को रफा दफा करना, उसे खत्म करना कहते हैं। ठीक है, और अब जब वो जाग जाए तो उनसे कहिएगा कि मुझसे मिल।
रिहाना की बेटी? हाँ, और अब ये मेरी बहू भी है। माशाल्लाह, खुशखबरी भी है। तुम्हारी खुशकिस्मती अभी मशकूक है। बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी मामा की वजह से। नहीं, इंसान को इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा ना हो कि वो लड़की आपसे ज्यादा यान को जान गई। तब की तब देखी जाएगी, तभी बहुत से पत्ते बाकी।